राजस्थान के अजमेर के बहुत चर्चित सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को सजा हो चुकी है। एक ने सुसाइड कर लिया, एक पर लड़के से कुकर्म के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल चल रहा है और एक फरार है। अजमेर के विशेष कोर्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अब बाकी बचे 6 आरोपियों को भी दोषी करार दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। दरअसल अजमेर में साल 1952 में स्कूल और कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था। जब इन लड़कियों के साथ रेप की तस्वीरें पूरे शहर में बटने लगी तो इस कांड के बारे में जानकर पूरा देश हिल गया। इस सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड अजमेर तत्कालीन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी नफीस चिश्ती और यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती था। उनके साथ कई और आरोपियों ने पहले एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की और फिर उसके साथ कुकर्म कर तस्वीरें खींची, उसे ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर बुलाकर रेप किया गया और उसकी भी न्यूड तस्वीरें ले ली गई। इसके बाद उससे उसके दोस्तों को लाने के लिए फोर्स किया गया और इस तरह एक के बाद एक कई लड़कियां उनके जाल में फंसती चली गई। इस सेक्स स्कैंडल में निशाना बनाई गई लड़कियों के साथ रेप की तस्वीरें पूरे शहर में बटने लगी, लेकिन कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं था। फिर एक अखबार में इस पर खबर छपी और पूरे देश में तहलका मच गया। इस पूरे मामले का खुलासा होते ही कई लड़कियों ने तो मौत का रास्ता चुन लिया। इस जघन्य अपराध पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम अजमेर 92 है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।